हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आपके पास आया हूं और जिसपे कई बार आप कंफ्यूज रहते हो और भूल जाते हो, तो जरा उसको डिस्कस करते हैं। मैं बात करने वाला हूं मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक क्या होंगे, SI यूनिट क्या होगी और CGS यूनिट क्या होगी। तो अगर हम फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है और बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फाई की जो SI यूनिट होती है वेबर, WB से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी CGS यूनिट है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट है वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट डब्बा गोल क्या होती है, मैक्सवेल। अच्छा सर, वेबर और मैक्सवेल पता चल गया, इसमें रिलेशन क्या है, एक वेबर बराबर होता है 10^8 मैक्सवेल, एक वेबर बराबर 10^8 मैक्सवेल, या एक मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं ये पूछ ले, एक मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं पूछ ले, तो इसको नीचे भेजो, नीचे जाएगा 10^8, ऊपर जाएगा 10^-8, यानी एक मैक्सवेल बराबर 10^-8 वेबर, एक मैक्सवेल बराबर 10^-8 वेबर, या एक मैक्सवेल में 10^-8 वेबर का दो, चाहे एक वेबर में 10^8 मैक्सवेल का दो, बात यही है। तो मैक्सवेल और वेबर में क्या रिलेशन है मैंने लिख दिया। फिर आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि टेस्ला बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये तो SI यूनिट हो गई। CGS यूनिट क्या है, CGS यूनिट है गॉस, क्या है गॉस, GAUSS गॉस। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो कि B होता है, इसकी CGS यूनिट है गॉस और SI यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, एक टेस्ला एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, आप जानते हो। अगर मैं कहूं कि टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए एक टेस्ला बराबर 10^4 गॉस, एक टेस्ला और 10^4 गॉस, या अगर एक गॉस को टेस्ला में बदलना हो तो इसको नीचे भेजो, इसको क्या करो नीचे भेजो, 10^4 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, यानी एक गॉस बराबर 10^-4 टेस्ला, एक गॉस बराबर 10^-4 टेस्ला, यानी टेस्ला को गॉस में बदलना हो तो ये, गॉस को टेस्ला में पूछे तो ये, यानी एक टेस्ला बराबर 10^4 गॉस, या एक गॉस बराबर 10^-4 टेस्ला। तो टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है यहां लिख दिया, वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है यहां लिख दिया। ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से बनता है, पूछेगा कि फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट क्या है, चिंटू दांत दिखाता है सर भूल गए, वेबर बता देता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की CGS यूनिट पूछ लेगा तो क्या बताओगे, चिंटू दांत दिखाता है, गॉस याद ही नहीं रहता उसको, बस वेबर याद रहता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर याद रहता है, गॉस इसके लिए, गॉस इसके लिए मैक्सवेल, इसके लिए गॉस इसके लिए मैक्सवेल, और SI यूनिट तो आपको याद ही होगी अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो, इतना तो याद रहेगा कि SI यूनिट इसकी वेबर, इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर, बस CGS आप कई बार भूल जाते हो, CGS याद रखना, और रिलेशन क्या होता है दोनों में ये भी याद रखना, और ये भी याद रखना ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक वर्ड चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात नहीं की मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है मैंने, तो इसको याद रखना आपके एग्जाम में काम आएगा। बाकी किसी और क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।